नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, और आप सभी लोगों का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ, जिस तरह से आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश नीट काउंसलिंग 2024 की काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की चल रही है, और अभी आपकी जो है वो इसमें चॉइस फिलिंग आपकी कल यानी कि 26 अगस्त तक चलेगी। तो इस संबंध में मैंने एक दो वीडियो बनाए हैं, तो उसके मैसेज बॉक्स में कुछ हमारे पास इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि कोई बच्चा कह रहा है कि सर, मैं एससी कैटेगरी में हूँ, मेरी ये रैंक है स्टेट रैंक, लेकिन सीटों की संख्या जो है इतनी ही है, तो सर मेरा क्या सिलेक्शन हो सकता है, क्या मुझे MBBS कॉलेज मिलने के चांस हैं? तो इसी संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश को लेकर के हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आपका फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को उलट दिया है। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस तरह की जानकारी नहीं होगी। तो उसी को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के, क्या मध्य प्रदेश में जो नीट की काउंसलिंग 2024 की हो रही है, तो क्या ये फैसला उस काउंसलिंग में जो रैंक है और जो सिलेक्शन होने के चांस है उसको प्रभावित करेगा? तो निसंदेह रूप से, चाहे वो अनरिजर्व हो, ST SC हो, OBC हो, EWS हो, या आपका किसी GS कोटा में से हो, या आपका जो है सैनिक कोटा है, या आपका जो है वो विकलांग कोटा है, इन सभी कोटों के सिलेक्शन को ये फैसला जो है बहुत निकटतम रूप से प्रभावित करने वाला है। तो फैसला क्या है, चलिए हम इस पर चर्चा करें। तो फैसले में ये कहा गया है कि जो रिजर्व सीटें हैं, यदि किसी रिजर्व कैंडिडेट के अंक जो है वो नंबर जो है इतने आते हैं कि वो अनरिजर्व जो सीटें हैं उनसे उसका जो है वो सिलेक्शन हो सकता है, तो ऐसे बच्चों को अनरिजर्व से ही सिलेक्शन दिया जाएगा, चाहे वो किसी वर्ग का हो, OBC का हो, ST SC का हो, आपका EWS हो, या अन्य कोई रिजर्वेशन हो आपका। तो इससे जैसे कि सभी जो हमारी कुल सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और उन सीटों में से सभी को एक निश्चित अनुपात में जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है, तो क्या ऐसे बच्चे जो सीटों से अधिक उनकी रैंक आ रही है, यदि उनकी रैंक देखी जाए तो उनको उस वो सीट उनको नहीं मिल रही है, तो क्या ऐसे बच्चों को जो है वो इस फैसले से फायदा होगा? तो निसंदेह रूप से, यदि आप ST SC OBC हैं, EWS हैं, या आपका GS कोटा है, या सैनिक कोटा है, या आपका विकलांग कोटा है, और यदि आपके कोटे से किसी बच्चे का इतने नंबर आता है कि वो अनरिजर्व कोटे से सिलेक्शन ले सकता है, तो ऐसे बच्चे को अनरिजर्व कोटे में ही जो है वो माना जाएगा, और जो रिजर्व में जो उसकी सीट है वो सीट जो है वो खाली हो जाएगी, तो जो कम रैंक वाला है उसको भी वो मिल सकेगी। तो निसंदेह रूप से एक महत्वपूर्ण फैसला है आपका, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यद्यपि नियम कुछ इस तरह से पहले भी था, लेकिन इस तरह के नियमों का पालन जो है वो नहीं हो पा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिया है, और इसमें पूरी तरह से ये स्पष्ट किया है कि इसको जो है वो कड़ाई से लागू किया जाए। तो मान लीजिए जैसे कि आपका किसी ST में है या OBC में है, सीटों की संख्या आपकी एक निश्चित है, अगर आपका जो नंबर है, जो रैंक है, उसके आधार पर आप सीट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यदि आपके ही वर्ग का, OBC वर्ग का कोई एक या अधिक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इतने नंबर ला रहे हैं कि उनका अनरिजर्व में जो है वो उनको सीटें मिल रही हैं, तो ऐसे कैंडिडेटों को जो है अनरिजर्व में ही माना जाएगा, और OBC या जो भी रिजर्वेशन है उसके लिए जो है वो उतनी सीटें जो है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएंगी। तो इसका एक जबरदस्त फायदा होने वाला है, निसंदेह रूप से देखने में मिलेगा ये। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर, हमारी सीटें तो इतनी है, लेकिन हम अगर दो सीटें और होती तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, हमको MBBS कॉलेज मिल जाता। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस तरह का हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो आरक्षित कोटे में आते हैं, लेकिन उनकी मेहनत
के बल पर वो अपने इतने नंबर लाते हैं कि उनको जो है वो अनरिजर्व में सीट से जो है वो मिल सकती है। तो ऐसे बच्चे अनरिजर्व में जाएंगे और अपने कोटे से वो सीटें उनकी खाली हो जाएंगी और जो अधिक रैंक वाले हैं जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा था उनको भी कॉलेज मिल सकेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और निरंतर हम जो मध्यप्रदेश में काउंसलिंग चल रही है उसके संबंध में क्या आपका कट ऑफ जा सकता है, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, कोई नए नए अपडेट आ रहे हैं, तो उस अपडेट से मैं आपको निरंतर अवगत करवा रहा हूं। तो यदि आप काउंसलिंग भाग ले रहे हैं या ऐसे हैं कि आगे भी चल करके आप नीट जैसा एग्जाम दे रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये चैनल जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, ताकि जो हमसे एक जुड़ाव है आपका वो जुड़ाव जो है वो बना रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।